बीपीएससी पेपर लीक के बाद अब बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक के पद की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी। इसका डेट जल्द ही निकलने वाला है और क्या कुछ प्रक्रिया इसके अंदर है, किस तरह से यह रिजल्ट होगा, ये आपको हम बताते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 28 जुलाई 2022 को होने वाली प्राइमरी हेड टीचर भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन इस भर्ती परीक्षा का आयोजन सितंबर 2022 में किया जाएगा। अभी फिलहाल परीक्षा की तिथि घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि लिखित परीक्षा में दो भागों में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला भाग समान अध्ययन और दूसरा भाग डिप्लॉयमेंट का आधारित पर होगा। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। इस परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इससे बिहार द्वारा निभाई गई भूमिका, साथ ही भारतीय राजनीतिक, गणित, भूगोल और मानसिक योग्यता परीक्षा के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार के प्राथमिक विद्यालय में 40,506 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू की गई थी और लास्ट डेट 22 अप्रैल 2022 निर्धारित किया गया था, जिसको बढ़ाकर 20 मई 2022 तक आवेदन करने की प्रक्रिया को स्वीकृत की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू शामिल नहीं है। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही उम्मीदवार को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इस लिखित परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, बीसी को 36.5%, बीसीसी को 34% एवं एसी एसटी महिला तथा दिव्यांग उम्मीदवार को 32% न्यूनतम लाना अनिवार्य होगा। तो आपने देखा कि बीपीएससी टीचर का जो एग्जामिनेशन था उसे रद्द करने के बाद अब उसकी बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें इंटरव्यू नहीं है और इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर, सामान्य रेटिंग के आधार पर उसमें बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।